एवरीवन, इट्स नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये शॉर्ट स्लीव क्रॉप टॉप बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 1 मीटर ये क्रेप फैब्रिक लिया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम अपना फ्रंट पार्ट कट करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करके रखा है। यहाँ इसकी लेंथ मैंने 21 इंच रखते हुए कट की है। सो यहाँ फ्रंट में हमारी प्लेकेट ओपनिंग आएगी, तो हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। फ्रंट में प्लेकेट फोल्ड के लिए हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ फ्रंट में 2 इंच का गैप छोड़ते हैं, हम अपनी बाकी की मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पे हमारी शोल्डर विड्थ 14 इंचेस है। अगर उसका हम हाफ करेंगे तो यहाँ पे हमारे 7 इंचेस आएगा, प्लस उसमें 1/2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे और यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ नीचे से आरमोल भी हम 7.5 इंचेस लेंगे। यहाँ पे आरमोल हमारे 15 इंचेस है, अगर हम उसका हाफ करते हैं तो 7.5 इंचेस ही आएगा। अब यहाँ पे हमारा चेस्ट राउंड आएगा, तो शर्ट हम यहाँ पे थोड़ी लूज बनाएंगे। तो यहाँ पे चेस्ट राउंड मेरा 34 इंचेस है, प्लस उसमें 2 इंच की मैं लूजिंग ऐड करूँगी, फिर उसका हमें 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पे मेरा 9 इंचेस आया है। सेम हम नीचे वेस्ट में भी 9 इंचेस पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पे आप शर्ट की लाइन देख सकते हैं, हम 20 इंच रेडी करेंगे, प्लस 1 इंच मैंने नीचे फोल्डिंग के लिए रखा है। यहाँ नेक विड्थ मैं 3.25 इंच रखूँगी, 2.75 इंचेस, और नेक डेप्थ भी मैं यहाँ पे 3.25 इंच ही रखूँगी। यहाँ हम नेक यू शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ शोल्डर ड्रॉप के लिए हम 1 इंच डाउन करेंगे। फ्रंट आर्मोल की मार्किंग करेंगे, इसके लिए हमें इस लाइन का मिड पॉइंट मार्क करेंगे। देन इस मिड पॉइंट से हम 1/2 इंच अंदर मार्क करके आर्मोल की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ साइड में 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। इस तरीके से हमें कट करना है प्लेकेट वाले एरिया को छोड़ते हुए। यहाँ नीचे हेम में हम 1 इंच ऊपर मार्क करते हुए कर्व शेप देंगे। इस वजह से हमारे फ्रंट के 2 पीस कट हो चुके हैं। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट में हमारी कोई ओपनिंग नहीं होती, तो हम फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करके रखेंगे। फोल्डेड साइड से हमें मार्किंग करनी है। फ्रंट वाले पीस को हमें बैक पार्ट के ऊपर रखना है। यहाँ बैक पार्ट की लेंथ मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है फ्रंट से। ये एक्स्ट्रा 2 इंच प्लेकेट वाले एरिया को हमें फोल्ड करते हुए रखना है। बैक पार्ट में आप देख सकते हैं 1 इंच लेंथ मैंने एक्स्ट्रा ली है। बैक पार्ट हमें शर्ट में इसी तरीके से कट करना होता है। सो यहाँ बैक पार्ट का शोल्डर हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ बैक नेक डेप्थ हम 1 इंच लेंगे। बैक आर्मोल में भी हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं फ्रंट में हमने जो प्लेकेट के लिए 2 इंच लिया था, उस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है। पहले 1 इंच फोल्ड करेंगे, देन 1 इंच एक और बार फोल्ड करके इस पर एक बार आयरन कर लेंगे। फिर हमें दोनों साइड बिल्कुल इसके एज में दोनों साइड एक स्टिच चलानी है। सेम हम दूसरे पार्ट में भी कर लेंगे। इस वजह से हमने शर्ट के प्लेकेट स्टिच कर दिए। अब हमारे ऊपर से जो एक्स्ट्रा प्लेकेट है उसे हम कट कर लेंगे। अब हमें इनकी राइट सीधी साइड कपड़े की साथ में रखनी है और दोनों के शोल्डर्स जॉइन कर देने 1/2 इंच मार्जिन में। अब यहाँ इसकी साइड हम 1/2 इंच मार्जिन में स्टिच कर देंगे। सो यहाँ इसकी साइड्स मैंने जॉइन कर लिया। अब हम इसे बैक साइड से भी जॉइन करेंगे। इससे जो हमारे एजेस है, रॉ एजेस, वो नहीं नज़र आते हैं। तो यहाँ पर अब हम 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा लेते हुए इसकी साइड स्टिच करेंगे। अब यहाँ इसके नीचे हेम हम फिनिश करेंगे। इसके लिए पहले हमें 1/2 इंच फोल्ड करके इस पर एक बार पूरे में स्टिच चलानी है। देन हमें 1/2 इंच एक और बार फोल्ड करके इसके बिल्कुल एज में एक और स्टिच चलाएंगे। सो यहाँ इसकी हेम मैंने फिनिश करके इस पर एक बार आयरन कर लिया है। अब हम इसकी शॉर्ट स्लीव कट करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करके रखा है, इसे हमें एक और बार फोल्ड करना है। यहाँ स्लीव की लेंथ मैं 8 इंच रेडी करूँगी, तो यहाँ पे मैंने टोटल लेंथ 10 इंच रखते हुए कट करी है, जिसमें से 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ नीचे हम 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए मार्क कर लेंगे। तो यहाँ ऊपर से हम नीचे 3 इंच केप हाइट मार्क करेंगे। इस लाइन को हम स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब जितना आर्मोल हमने शर्ट में लिया था उतना ही रखेंगे, 7.5 इंचेस। यहाँ आर्मोल राउंड हमारा 15 इंचेस है, उसका हमने 1/2 लिया है, 7.5 इंचेस। इसे हम ऊपर स्लांट मिला लेंगे।
यहाँ नीचे हमारा आर्म राउंड आएगा, तो यहाँ पे आर्म राउंड मेरा 11 इंचेस है, उसमें मैंने 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड किया है, तो हमारा यहाँ पे 13 इंचेस आया। उसका यहाँ पे मैंने हाफ लिया है 6.5 इंचेस। यहाँ साइड में 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्मोल कर्व की मार्किंग करेंगे, इसके लिए हम इस लाइन का मिड पॉइंट मार्क करेंगे, देन इस मिड पॉइंट से ऊपर हाफ इंच मार्क करके बैक आर्मोल कर्व ड्रॉ करेंगे। यहाँ फ्रंट आर्मोल हम डीप मार्क करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट हमें बैक आर्मोल कट करना है। स्लीव को ओपन करके हम फ्रंट आर्मोल डेप्थ कट कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें फैब्रिक की राइट सीधी साइड साथ में रहे। अब यहाँ स्लीव के हेम में जो हमने 1.5 इंच रखा था, इसे हम फोल्ड करके बिल्कुल इसके एज में एक स्टिच ला लेंगे। अब यहाँ इसकी साइड हम हाफ इंच पे स्टिच कर देंगे। तो हमने इसका हाफ इंच स्टिच कर दिया है। अब हम इसे उल्टी साइड फोल्ड करके हाफ इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए स्टिच करेंगे। अब हम स्लीव को शर्ट के साथ जॉइन करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं फ्रंट का जो डीप पार्ट है हमें फ्रंट पार्ट के साथ ही मिलाना होता है, हमें इस तरीके से इसे मिलाना है। अब अंदर के साइड से हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और गोलाई में हाफ इंच मार्जिन में इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने स्लीव अटैच कर ली है और साथ में पूरे में इंटरलॉक भी कर लिया है। तो अब हम इसका कॉलर पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमें ये पूरी नेक लाइन को मेज़र करना है। तो यहाँ पे पूरी नेक लाइन हमारी 16.5 इंचेस आ रही है। तो यहाँ पे मैंने फ्यूजिबल बुकरम ली है जिसे मैंने सिंगल फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ फोल्डेड साइड से हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ शर्ट को हम इस तरीके से हाफ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ बुकरम में हमें हाफ कॉलर नेक मार्क करनी है। तो यहाँ पे टोटल कॉलर नेक हमारी आई थी 16.5 इंचेस, उसका हम हाफ मार्क करेंगे 8.25 इंचेस। यहाँ मैं आपको बहुत ही इजीएस्ट वे में कॉलर बनाना सिखाऊंगी। अब यहाँ कॉलर की ब्रॉडनेस मैं 1.5 इंच रखूंगी, 2.75 इंचेस। अब इन पॉइंट्स को हम स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर हम 1 इंच कॉलर स्टैंड के लिए मार्क करेंगे, इसे भी हम स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब यहाँ नीचे 1 इंच हम बटन स्टैंड के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे हम कर्व जो बटन स्टैंड का हमारा शेप होता है कर्व, वो ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम 1/4 इंच मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप देंगे। अब यहाँ कॉलर में हम ऊपर से 1/2 इंच मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें बैक नेक मेज़र करनी है। तो यहाँ पे हमारी 3.5 इंचेस आ रहा है, उतने में हम मार्क करके हल्का सा कर्व शेप दे देंगे कॉलर का। अब हमें इसे इस तरीके से इस पॉइंट से जॉइन करना है। अब इन मार्किंग में हम कट कर लेंगे। अब हम इसे आयरन करके फैब्रिक में पेस्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर लिया एक साइड। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फैब्रिक के 2 पीसेस लिए हैं जिसकी मैंने दोनों की राइट सीधी साइड साथ में रखी है। अब हमें इसके बिल्कुल एज में 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए कट कर लेना है। अब यहाँ एक पीस हमें इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करके इस पर एक बार आयरन कर लेना है। देन हम इसकी एज बिल्कुल 1/2 इंच जहाँ पे हमने मार्किंग की है उसमें स्टिच करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखें बुकरम के ऊपर कोई सिलाई ना आए। सो यहाँ इसके एज में हमने पूरे में स्टिच कर लिया। अब हमें इसके एजेस इस तरीके से कट करने हैं। इसकी एजेस हमें 1/4 इंच मार्जिन रखते हुए कट कर लेनी है। अब यहाँ इसके एजेस में हम स्मॉल कट्स नॉचेस देंगे और इसे आगे की साइड टर्न कर लेंगे। इस पे एक बार आयरन कर लें। अब हमें इस तरीके से कॉलर स्टैंड को फोल्ड करना है और इस पे एक बार आयरन कर लेना है। अब हम कॉलर को शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। अब हमें इसे इस तरीके से 1/2 इंच मार्जिन में जो हमने छोड़ा था उसमें अटैच करना है। अब यहाँ पे हम कॉलर का मिड पॉइंट और शर्ट के नेक का मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे। स्टिच हमें मिड में से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं एक बार पूरी नेक लाइन में पिनअप कर लूँगी। सो यहाँ पे हमारा कॉलर बिल्कुल परफेक्टली फिट आ रहा है। 1/2 इंच मार्जिन में हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ कॉलर की एक साइड हमने स्टिच कर ली है। अब यहाँ पूरी नेक लाइन में हमें स्मॉल कट्स देने हैं। अब ये 1/2 इंच मार्जिन फैब्रिक को हमें कॉलर के अंदर की तरफ डालते हुए बिल्कुल कॉलर के एज में पूरे में एक स्टिच चलाना है।
यहाँ हमें कॉलर के पूरे एज में एक बार स्टिच चला लेना है। अब यहाँ शर्ट के लेफ्ट वाली साइड हमारे बटन्स आएंगे, तो हमें बटन कॉलर स्टैंड से लगाते हुए पूरे नीचे तक अटैच करना है। बटन हमें प्लैकेट से हाफ इंच छोड़ते हुए अटैच करने हैं। प्लैकेट के बिल्कुल मिड में हम बटन अटैच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ कॉलर से नीचे हम 3 इंच गैप में अपने बटन्स अटैच करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट साइड हम अपने बटन अटैच कर लेंगे और राइट साइड हम अपने बटन्स के लिए होल बनाएंगे। बटन होल भी हमें प्लैकेट के बिल्कुल मिड में बनाने हैं। यहाँ भी हम 3 इंच के गैप में अपने होल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हैंड बटन होल स्टिच से ये हमारे होल्स बना लिए हैं। यहाँ ऊपर कॉलर स्टैंड में हमें तिरछा होल बनाना होता है। इसी के साथ हमारी ये परफेक्ट शर्ट बनके रेडी है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।